हाँ, प्रियंका जी का आज मुरैना का दौरा है और मैं मानता हूँ कि बिल्कुल देश में जो एक जागरूकता आई है वो इस भावना की कि लोकतंत्र को कैसे बचाना, आरक्षण को कैसे बचाना है, कैसे कांग्रेस के 5 न्याय के सिद्धांत पर भारतीय जनता पार्टी भी का भी रिएक्शन देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि एक और है हमारे 5 न्याय 25 गारंटी, दूसरा है नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया था पर आज तक उनका केवल उस घोषणा पत्र पर फोटो मिला है पर चर्चा नहीं मिली। बीजेपी भी चर्चा कर रही है हमारे घोषणा पत्र की, कांग्रेस के न्याय पत्र की। ये एहसास कराता है कांग्रेस आम जनता की बात कर रही है और भारतीय जनता पार्टी 10% उद्योगपतियों की बात कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन 1950 से इनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर जब तक सरकार रही कांग्रेस की, तब तक संविधान लगातार ये लोग बदलते आए, आज हम पे आरोप लगा रहे हैं। संविधान को बदलना और संविधान में बदलाव करना और आम सहमति से करना, इसमें अंतर है। और मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो अभी सांसद के प्रत्याशी हैं, उन्होंने कहा हमें 400 सीटें चाहिए इसलिए कि संविधान बदलना, आरक्षण समाप्त करना है। हमें इसलिए चाहिए कि वोट के अधिकार को कम करना है। हमें बंदिश लगाना है मीडिया पे। ये बार बार जो स्वायत्त संस्थाएं होती है उनको भी एक बार पंगु बनाना है, यहाँ तक कि न्यायपालिका पे भी असर करना है, बदलाव करना है कि हमारा जो मोटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है उसको लादना है देश पे। इस अंतर को मोहन यादव नहीं समझ सकते हैं, देश समझ रहा है। बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी वो देश समझ रहा है। यही कारण है कि बीजेपी विचलित है। मोहन भागवत, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मोहन यादव जी घबरा कर जवाब सवाल कर रहे हैं। बिजनौर में मऊ पर बीजेपी के एक मंत्री, उन्होंने कहा जिस बूथ पर चुनाव बीजेपी आयोग जीती, को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अब कानून को नहीं मानती है, संविधान को नहीं मानती है, चुनाव आयोग को नहीं मानती है। लोकतंत्र की हत्यारी ये पार्टी, इसने 17 सरकारें गिराई, चलन ला दिया, विधायकों की मंडी बना दी, सांसदों की मंडी बना दी और सबसे बड़ी बात अब ये बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ प्रत्याशी का अपहरण करने लगे हैं अलग अलग तरीके से, प्रशासनिक व्यवस्था बना के। देश जागे, समझे और चुनाव आयोग संज्ञान में ले। आप ही के बयान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का पलटवार आया कि ओबीसी का मुख्यमंत्री इन्हें पच नहीं रहा है, एक बार एक राजा को मुख्यमंत्री बना दिया था, एक बार एक उद्योगपति को। मोहन यादव जी, मैं जब आपसे बात करता हूँ तो आप ये भूले नहीं मैं भी ओबीसी का ही श्रेणी में आता हूँ। और जब मैं आपसे बात करता हूँ कि 17 बहनों की रोज रेप होता है हमारे मध्य प्रदेश में, एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं, उसका औसत रेप 17 है। 8 साल की बच्ची का भोपाल में रेप हुआ, 10 साल की बच्ची का रेप अलीराजपुर में हुआ। मैं उनसे मिलने गया तो आपकी सरकार ने मुझ पर FIR कर दी, जबकि मैं बच्ची से नहीं मिला, परिवार से मिला। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस तरह की बातें जब हम करते हैं और ये कहते हैं कि आपकी सरकार अपराध करती है, आप गृह मंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, तो आप मुझ पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको विधायकों ने नहीं बनाया, आपको जनता ने भी नहीं बनाया, आपको पर्ची ने बनाया, तो आप मुख्यमंत्री प्रदेश के हमारे भी हैं। तो एक विपक्ष का दल होने के नाते, एक नागरिक होने के नाते, मैं नहीं कहूँगा मेरी 17 बहनों की अस्मत रोज रोज लूटी जाती है, 8 साल की बच्ची का रेप रोज होता है, तो दायित्व उत्तरदायित्व तो आपका है। मोहन यादव जी कृपया करके अपने, रोज आप इधर रेप होते हैं, रोज उधर तालियां बजवाते हैं, भाषण देते हैं, आनंद की बातें करते हैं, बखान करते हैं अपनी सरकार का, तो ये दोनों विरोधाभास है। इसलिए हम आपको आगाह करते हैं, जो बोलते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। आनंद तब होगा ना जब बहन सुरक्षित होगी, बेटी सुरक्षित होगी। आनंद तब, ताली तब बजाएगा ना जब परिवार खुशी होगा। तो मेरा आपसे अंतिम आग्रह है कि आपकी सरकार अभियुक्त है बहनों के रेपिस्ट में और मैं मानता हूं वो आपको अंकुश लगाना चाहिए। सर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, अब कांग्रेस का क्या स्टैंड है, क्या उनकी सदस्यता रद्द कराने के लिए कांग्रेस स्वाभाविक है कि ऐसे जितने लोग हैं उनकी सदस्यता जाएगी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से टिकट लिया, चुनाव जीते और सत्ता भोग रहे हैं, तो मैं मानता हूं और वहां पे चुनाव भी कांग्रेस ही जीतेगी। चंबल की माटी ने कभी गद्दारों को पसंद नहीं किया है, वादा खिलाफी को पसंद नहीं किया है। चंबल की माटी ने हमेशा बागियों का भी सम्मान किया जो हक और अधिकार के लिए लड़ा है। ये आज़ादी का बिगुल बजा था, राम प्रसाद बिस्मिल वहीं के थे। तो ये चंबल की माटी
गद्दारों को पसंद नहीं करती है। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया विधानसभा की सदस्यता से, तक क्या कांग्रेस उन्हें निष्कासित करने जा रही है? जो नान निश्चित है, कानून के सम्मत जो होगा करेंगे। कोई ने कहा है जहां मोहन जी की मुरली बसती है वहां से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाता है, कांग्रेस का चौपट होना तय है। जयभान सिंह पवैया जी क्या कहते हैं क्या नहीं, मैं उस पर उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, पर ग्वालियर चंबल में तीनों सीट कांग्रेस